अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द स्पेशल लिटरेसी सेशन ऑन पाक साइकॉम। हमारा आज का सेशन पेटेंटिंग से रिलेटेड है और हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सुहेल जावेद चौधरी साहब। आप मैनेजर और एक हैं कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। बेसिकली आप एक पीएचडी डॉक्टर हैं, लेकिन जो आपकी स्पेशलाइजेशन का एरिया है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से मुतल्लिक। इससे इसके बारे में आप डिफरेंट ट्रेनिंग्स भी होल्ड कर चुके हैं। सर, वेरी वार्म वेलकम टू द सेशन। जी, थैंक यू वेरी मच। सर, आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आप करंटली क्या जॉब कर रहे हैं और आपका पीएचडी जो है उसका रिसर्च एरिया क्या था? थैंक यू डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा आपने टॉपिक चूज किया है, जो कि हम आजकल जो है यूनिवर्सिटीज में रिसर्चर्स के लिए इस पे इंफॉर्मेशन होना जो है वो बहुत जरूरी है। जैसे आपने बताया, मैंने पीएचडी मास्टर्स एंड पीएचडी जो है वो दोनों बायोकेमिस्ट्री में है मैं, एंड मैंने पीएचडी कराची यूनिवर्सिटी से की है और मास्टर्स जो है वो एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से है। एडिशनली मेरे पास लॉ डिग्री है और लॉ डिग्री जो है वो उसकी रीजन बेसिकली यही थी कि जो पेटेंट्स होते हैं इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ टेक्नो लीगल वर्क, तो आपको साइंटिफिक एक्सपर्टीज भी इसमें चाहिए होती है और लीगल एक्सपर्टीज भी चाहिए होती है उसको एग्जामिनेशन करने के लिए। तो मैंने जो स्टार्ट किया था 2003 में, आई ज्वाइन पेटेंट ऑफिस जो कि इस वक्त आईपीओ पाकिस्तान के नाम से है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। तो उस 2003 में मैंने ज्वाइन किया था एज पेटेंट एग्जामिनर, एंड सिंस देन 2003 से लेकर अब तक जो है वो मैं पेटेंट्स को ही डील कर रहा हूँ। तो मैंने पेटेंट ऑफिस में डिफरेंट पोस्ट पे काम किया, पेटेंट एग्जामिनर देन असिस्टेंट कंट्रोलर, फिर मैंने कॉमसेट्स जो है वो ज्वाइन किया एज अ मैनेजर। यहाँ पे भी मेरा मेन जो पोर्टफोलियो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ही हैं। जो कॉमसेट्स के डिफरेंट पेटेंट्स होते हैं वो पाकिस्तान में भी और वर्ल्ड वाइड भी डिफरेंट कंट्रीज में फाइल किए जाते हैं। एडिशनली पैरल जो है वो मैं अपनी एक इंटेल प्रो आईपी सर्विसेज के नाम से एक फर्म भी रन कर रहा हूँ, जिसपे जो है वो पेटेंट्स फाइलिंग, पेटेंट ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की फील्ड्स हैं उसमें कंसल्टेंसी जो है वो सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों चीजें जो है वो पैरल चल रही हैं इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका तकरीबन 20 साल का एक्सपीरियंस है पेटेंटिंग की फील्ड में, ये पेटेंट होता क्या है और इसकी क्या डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं? पेटेंट बेसिकली होता है कि सपोज कोई भी रिसर्चर है, उसने कोई भी साइंटिफिक इन्वेंशन जो है वो डेवलप की है, तो डेफिनेटली वो जो इन्वेंशन होती है वो विद इन फ्यू आवर्स जो है वो सामने नहीं आ जाती, उसमें जो है वो इयर्स की उसमें एफर्ट होती है, उसमें फाइनेंशियल इनपुट उसमें होती है, तो अच्छी खासी एक एफर्ट इन्वॉल्व होती है। तो जब आप एक इन्वेंशन या कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ले के मार्केट में आ जाते हैं तो उसको कॉपी करना, तो देख के तो कोई भी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसको कॉपी कर सकता है, जबकि इन्वेंटर जो होता है जिसकी अपनी एक्चुअल एफर्ट होती है उसको जो है वो फाइनेंशियल रिटर्न उस तरह से नहीं मिलता अगर वो कॉपी होना शुरू हो जाती है। तो पेटेंट राइट्स बेसिकली होते ये हैं कि जो इन्वेंटर है उसकी जो भी इन्वेंशन है उस टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट किया जाता है बिफोर डिस्क्लोजिंग टू पब्लिक। ठीक है, पब्लिक को डिस्क्लोज करने से पहले उसको पेटेंट फाइल किया जाता है और जब उसको पेटेंट राइट्स जो है वो ग्रांट हो जाते हैं तो उसके बाद उसको एक लीगल प्रोटेक्शन होती है कि उस कंट्री के अंदर नोबडी कैन इवन सेल, मैन्युफैक्चर और यूज दैट इन्वेंशन विदाउट हिज और हिम परमिशन जो है, उसके अलावा वो नहीं कर नहीं सकता, तो उसके लिए उसको लाइसेंस लेना होता है। तो पेटेंट राइट्स बेसिकली इन्वेंटर को जो है वो दो तरह से प्रोटेक्शन देते हैं, एक तो उसको लीगल प्रोटेक्शन देते हैं जो उसके इन्वेंशन के इलीगल और अनऑथराइज्ड जो यूज है उसको प्रोहिबिट करते हैं, सेकंडली उसको एक मोनोपोली राइट जो है वो मिल जाते हैं उस इन्वेंशन के ऊपर, तो फाइनेंशियल रिटर्न जो होता है वो उसको अच्छा मिल जाता है। पेटेंट की जो टर्म बेसिकली होती है वो 20 ईयर्स की होती है, तो 20 ईयर्स के लिए उस इन्वेंटर के मोनोपोली राइट्स उसमें आ जाते हैं। 20 ईयर्स के बाद जो होता है वो ये पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। उसके एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं पैरास्टामोल, आपके पास एक ड्रग है, तो जब इनिशियली इसका पेटेंट फाइल हुआ होगा तो वो 20 ईयर्स तक उसी कंपनी के अलावा कोई दूसरा जो है इसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता था अनलेस के वो किसी को लाइसेंस आउट कर दे। लेकिन अब जो है वो एक पैरास्टामोल पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुकी है, उसका पेटेंट एक्सपायर हो चुका है, तो जो पैरास्टामोल है वो आपको हंड्रेड्स डिफरेंट नेम्स में जो है वो मार्केट में आपके पास अवेलेबल है, नो इट्स फ्री कि कोई भी जो है उसको मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो पेटेंट जो है वो टाइप्स बेसिकली जो आपने पूछा, तो पेटेंट्स की कोई टाइप्स नहीं होती, पेटेंट एक ही टाइप का होता है जिसको जो आपको एक्सक्लूसिव इसके कमर्शियल राइट्स जो है वो ग्रांट करता है। डिफरेंट कंट्रीज में इसकी कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है जो इससे रिलेटेड यूज कर ली जाती है, इसकी डिफरेंट टाइप्स बेसिकली जो होती है छोटी मोटी
जैसे हमारे पास पाकिस्तान में अगर हम पाकिस्तानी लॉ की बात करते हैं तो पेटेंट्स इज अ डिफरेंट कैटेगरी, और हमारे पास एक इंडस्ट्रियल डिजाइन होता है वो एक डिफरेंट कैटेगरी होती है जो कि इन्वेंशन नहीं होती। बेसिकली इंडस्ट्रियल डिजाइन होता है कि आपके पास अगर कोई छोटी प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, उसका आपने डिजाइन थोड़ा बहुत चेंज किया है जो कि जस्ट विजुअल अपीयरेंस उसकी चेंज होती है, तो आप उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। जबकि यूएस में इसी डिजाइन को जो है वो डिजाइन पेटेंट के नाम से जो है वो उसको अपने लॉ में कंसिडर करते हैं, जबकि जनरल जो पेटेंट होता है उसको यूटिलिटी पेटेंट किया कहा जाता है। लेकिन दोनों के लॉ में बड़ा फर्क होता है और इनकी जो ड्यूरेशन होती है, वैलिडिटी होती है, उस पीरियड का भी जो है काफी फर्क होता है। तो जनरली आप कह सकते हैं कि पेटेंट जो होता है वो बेसिकली एक ही टाइप का होता है जो कि अच्छा, एक चीज आपने बताई जी जी, मैं उस पर थोड़ी क्लेरिफिकेशन चाह रहा हूँ कि ये जो पेटेंट है, मैं लेट से मैं पाकिस्तान में अगर मैं पब्लिश करता हूँ, उसको रजिस्टर करता हूँ, तो ये वर्ल्ड ओवर ये मेरा प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है या सिर्फ विद इन पाकिस्तान, इसे कोई कॉपी नहीं कर सकता? नहीं, जो पेटेंट राइट्स होते हैं वो टेरिटोरियल होते हैं। पेटेंट का बेसिकली पर्पस ये होता है कि पेटेंट में वो शख्स जाता है पेटेंट अप्लाई करने के लिए जिसको जिसकी रिसर्च में कुछ कमर्शियल पोटेंशियल होता है। तो पेटेंट का ताल्लुक जो होता है वो कमर्शियलिज्म से होता है, उस प्रोडक्ट को आपने कमर्शियलाइज करना होता है। जो रिसर्च कमर्शियलाइजेबल नहीं होती उसको पेटेंट करवाने का कोई पर्पस नहीं है उसका, ना उसका कोई फायदा है। तो जब आपने कमर्शियलाइज करना है तो जो पेटेंट एप्लीकेंट है, इन्वेंटर है, उसने जस्ट असेस करना होता है कि वो किस किस कंट्री में जो है वो अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकता है। तो जहां जहां पे उसको पोटेंशियल नजर आता है हर कंट्री में उसको सेपरेटली पेटेंट फाइल करना होगा और हर कंट्री के सेपरेट जो है वो उसको राइट्स लेने होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि एक कंट्री में अगर आपने पेटेंट फाइल किया और ग्रांट हो गया तो उसके राइट्स जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड होते हैं। और ये भी पॉसिबल होता है कि किसी एक कंट्री में जो है वो पेटेंट ग्रांट हो गया और दूसरे कंट्री में आपने फाइल किया वहां पे रिफ्यूज भी हो गया, क्योंकि कुछ जो है वो बेसिक जो तीन चार पैरामीटर्स हैं वो तो सेम है थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसको कंसिडर किया जाता है, लेकिन कुछ जो है वो कंट्री टू कंट्री उनके लॉ में फर्क भी होता है। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि एक जगह पे पेटेंट जो है वो एक्सेप्ट हो जाए और दूसरी जगह पे वो रिफ्यूज भी हो जाए। तो डॉक्टर साहब, ये जो पेटेंट है ये और एक जनरल पब्लिकेशन, इसमें क्या डिफरेंस है दोनों के इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स, क्या डिफरेंस है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि पेटेंट जो है वो बेसिकली इसका ताल्लुक कमर्शियलिज्म से है। रिसर्च जर्नल की पब्लिकेशन जो होती है, इट्स जस्ट एन आर्टिकल जो कि एक रिसर्चर पब्लिश करता है। पेटेंट भी इट्स अ काइंड ऑफ पब्लिकेशन, जब पेटेंट ग्रांट हो जाता है तो उसको भी पब्लिश किया जाता है पब्लिकली, उसका जो नॉलेज सारा है वो भी पब्लिकली अवेलेबल होता है। लेकिन पेटेंट जो होता है वो आपको उसके कमर्शियल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, जबकि रिसर्च पब्लिकेशन में अगर आप कमर्शियल की तरफ जाते हैं तो आपको कोई लीगल राइट्स नहीं मिलते अपनी इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसको कोई भी कॉपी करके बना सकता है, आप उसको लीगली रोक नहीं सकते। तो पेटेंट जो होता है बेसिकली वो पब्लिकेशन से आपको रोकता नहीं। पेटेंट फाइल करने के लिए बेसिक क्राइटेरिया ये होता है कि डेट ऑफ फाइलिंग से पहले जो है वो इन्वेंशन डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए इन एनी फॉर्म, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, वीडियो फॉर्म में हो, या कहीं पे किसी कॉन्फ्रेंस में आपने डिस्क्लोज की हो इन्वेंशन, तो वो डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। तो वंस इट हैज बीन फाइल्ड, आपने किसी पेटेंट ऑफिस में एक एप्लीकेशन फाइल कर दी है, देन यू आर फ्री कि आप उसको जाके किसी रिसर्च जर्नल में भी पब्लिश कर सकते हैं। तो पेटेंट आपको रोकता नहीं है, आप दोनों चीजें पैरेलल लेके चल सकते हैं। तो रिसर्चर्स को किस चीज का ज्यादा फायदा है, एक पेटेंट का या रिसर्च जर्नल का? देखिए, दोनों का फायदा, जी दोनों का फायदा है। बेसिकली रिसर्चर ने अपनी देखनी है रिसर्च जो है वो किस नेचर की है। अगर तो वो अप्लाइड नेचर की रिसर्च है और उसका लेटर ऑन कोई कमर्शियल पोटेंशियल हो सकता है, किसी इंडस्ट्री में वो यूज हो सकती है, तो फिर उसको डेफिनेटली पहले उसको जो है वो पेटेंट की तरफ जाना चाहिए, पेटेंट फाइल करें और उसके बाद उसको जो है वो आप पब्लिश कर दें। और अगर आप समझते हैं कि जो रिसर्च है वो अप्लाइड नेचर की नहीं है, उसकी कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी उस तरह से नहीं है, तो फिर आपको पेटेंट का जो है वो इवन ग्रांट हो भी जाता है तो उसका कोई पर्पस नहीं है, तो फिर आपको जो है वो रिसर्च पब्लिकेशन की तरफ जाना चाहिए रादर देन फाइलिंग अ पेटेंट। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक एचएससी के क्राइटेरिया की बात करते हैं, उसमें करंटली एज वी स्टैंड नाउ जो एचएससी के क्राइटेरिया के मुताबिक आपको पेटेंट के मार्क्स नहीं मिलते इन टर्म्स ऑफ इवैल्यूएशन आपकी प्रमोशन के सिलसिले में, तो इस पे आपका क्या ख्याल है? पब्लिकेशंस के आपके मार्क्स हैं, पेटेंट पे आपकी अच्छी खासी एफर्ट है, एक न्यू इन्वेंशन है, लेकिन उसके मार्क्स नहीं है, क्या कहते हैं इस पे?
देखिए, पेटेंट में जो HEC का पहले एक नोटिफिकेशन था कि वो जो लोकल पाकिस्तानी पेटेंट है उसको टू पब्लिकेशंस के इक्विवेलेंट कंसीडर कर रहे थे, और अगर कोई इंटरनेशनल पेटेंट है किसी भी कंट्री में जो फाइल हुआ हुआ है फॉरेन कंट्री में, तो उसको जो है अप टू 5 पब्लिकेशंस वो उसको इक्विवेलेंस देते थे, लेकिन उसको वो जज करते थे, सबको 5 पब्लिकेशंस की इक्विवेलेंस नहीं मिलती थी। तो वो था कि अप टू का वर्ड उसमें था कि उनकी अपनी असेसमेंट थी कि वो उसको 2 पब्लिकेशंस के इक्विवेलेंट कंसीडर करते हैं, 3 या 4 और 5। लेटर ऑन ये था कि फिर नोटिफिकेशन रिवाइज हुआ तो इसको 2 पब्लिकेशंस के इक्विवेलेंट कर दिया गया सब्जेक्ट टू इट्स कमर्शियलाइजेशन, कि पेटेंट वेदर इट्स पाकिस्तानी पेटेंट और फॉरेन पेटेंट, तो वो 2 पब्लिकेशंस के इक्विवेलेंट था। तो प्रेजेंटली जैसे आपने कहा कि इसको नोटिफिकेशन को जो है वो खत्म कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया, और इस वक्त जो है प्रेजेंटली जो पेटेंट की पब्लिकेशंस के इक्विवेलेंस है वो नहीं है। उसकी रीजन बेसिकली यही थी कि जो पेटेंट होता है वो आपको कभी भी रिसर्च पब्लिकेशन से नहीं रोकता। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पेटेंट जो है वो जब आप एक दफा फाइल कर देते हैं तो उसको रिसर्च पब्लिकेशन के लिए भी आप उसको फर्दर जो है सबमिट कर सकते हैं, तो दोनों चीजें आप पैरेलल लेके चल सकते हैं। होता बेसिकली ये था कि पेटेंट जो है वो किसी ने एक जगह पे फाइल कर दिया हुआ है तो उसी को वो रिसर्च पब्लिकेशन के लिए भी फाइल कर देते थे, उसी को फिर वो फॉरन पेटेंट भी फाइल कर देते, तो इसकी जो है वो 2, 3, 4 सेम जो रिसर्च होती है उसको मल्टीपल टाइम्स आपको काउंट कर लेते हैं। तो प्रमोशन में जो आपके कंपटीटर्स होते हैं उनके लिए फिर जो है वो प्रॉब्लम होती है अगर किसी के पास पेटेंट फाइल नहीं होगा। सेकंडली ये होता था कि जो रिसर्च है, जैसे मैंने पहले कहा कि रिसर्च हर रिसर्चर की जो फील्ड है वो डिफरेंट होती है। आपके पास सपोज बायोसाइंसेस में अगर कुछ रिसर्चर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं जेनेटिक्स पे कर रहे हैं, डिजीजेस पे कर रहे हैं, तो उनकी बहुत हाई क्वालिटी की रिसर्च होगी, बड़े अच्छे जर्नल में पब्लिश भी हो जाएगी, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो पेटेंटेबल, क्योंकि पेटेंट का एक अपना क्राइटेरिया होता है जिसमें उसकी नॉवेल्टी होती है, इन्वेंटिव स्टेप होता है, और उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी जो होता है वो एक मैंडेटरी फीचर होता है उसके ग्रांट के लिए। तो अगर वो इंडस्ट्रियल लेवल उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी नहीं है और या उसमें कोई इस तरह का कमर्शियल पोटेंशियल नहीं है, तो वो रिसर्च तो बहुत अच्छी होगी लेकिन वो पेटेंटेबल नहीं होगी। तो इसके उसके कंपटीशन में उनके अगर कोलीग होंगे ऐसे जिनकी रिसर्च जो है वो इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन इवन देन उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी है और उन्होंने एक पेटेंट ले लिया, तो अगर आप इक्विवेलेंस पे जाएंगे तो वो प्रमोशन में जब कंपटीशन में आएंगे तो पेटेंट वाले को ज्यादा वर्थ मिल जाएगी, जबकि जो आपका कोलीग है उनकी रिसर्च भी जो है वो इक्वली वेटेज रखती है, बड़ी हाई क्वालिटी की रिसर्च है, तो यहाँ पे आके जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से जो पब्लिकेशंस है वो अपनी जगह पे उनकी एक वेटेज है, काउंट हो रही है, पेटेंट जो होता है वो एडिशनली है, और पेटेंट आपको रोकता नहीं है, तो आप दोनों चीजें लेके चल सकते हैं। सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो पेटेंटिंग के जो स्टेप्स हैं, डिफरेंट स्टेप्स हैं, वो क्या हैं? मिसाल के तौर पे हमारे जो पाकिस्तान में जितने भी रिसर्चर्स हैं, लेट्स से आप मुझे इंक्लूड करें या हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं, हम ये देखते हैं कि जो सबको ये पता है कि उसने पब्लिकेशन रिसर्च आर्टिकल कैसे पब्लिश करना है, लेकिन अगर आप किसी से पेटेंटिंग का पूछें तो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता। तो वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बताएं कि स्टेप वन सबसे पहले आप ये करें, इसके बाद आप ये करें, इसके बाद ये करें, तो क्या वो स्टेप्स हैं डॉक्टर साहब? देखिए, पेटेंट जो है वो कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, उसमें डॉक्यूमेंट जो है वो आपका एक ही तरह का होता है जैसे रिसर्च जर्नल रिसर्च आर्टिकल का होता है और पेटेंट का होता है। उसमें डिफरेंस थोड़ा सा ये होता है कि जो रिसर्च जर्नल सॉरी रिसर्च आर्टिकल होता है उसमें आपका मेन फोकस जो होता है वो टेक्नोलॉजी या एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है वो आप ब्रीफली उसमें बताते हैं, कम उस पर फोकस होता है, ज्यादा फोकस आपका रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस के ऊपर होता है, और उसका लिटरेचर रिव्यू जो है बड़ा एक्सटेंसिव उस पर होता है। जबकि पेटेंट्स में बेसिकली ये होता है कि पेटेंट्स में रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस सप्लीमेंट्री मटेरियल के तौर पे यूज होते हैं आपकी इन्वेंशन को जज करने के लिए, उसके बेनिफिट्स को जज करने के लिए, जबकि पेटेंट जो राइट्स आपको मिलते हैं वो उस टेक्नोलॉजी के मिलते हैं, उस इन्वेंशन के मिलते हैं जो आपने एक्सपेरिमेंट जो आपने डिस्कवर किया और यूज किया। क्योंकि जब आप मार्केट में कोई चीज सेल करने जाते हैं तो आप उस प्रोडक्ट को एक्चुअली सेल करते हैं, उसके बेनिफिट्स को सेल नहीं करते, क्योंकि बेनिफिट्स जो होते हैं उसको यूज करने से आते हैं। कोई शख्स आपकी प्रोडक्ट परचेज करेगा तो फिर उसके जो है वो बेनिफिट्स मिलते हैं। तो एक तो ये होता है, सेकंडली ये होता है कि उसमें जो पेटेंट के जो उसकी स्पेसिफिकेशन होती है आपने एक इनिशियली ड्राफ्ट करनी होती है, तो उसके भी इसी तरह डिफरेंट सब सेक्शंस होते हैं कि ब्रीफ सा जो है वो लिटरेचर रिव्यू उसमें होता है, बैकग्राउंड उसमें दिया जाता है, उसके बाद उसकी डिटेल्ड टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब किया जाता है, रिजल्ट्स के दे दिए जाते हैं, उसमें उस पर डिस्कशन भी आप ऐड कर सकते हैं, ज्यादा डिटेल में आप जो है अपनी टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब करेंगे। लास्ट उसका एक पार्ट बेसिकली होता है जो डॉक्यूमेंट को उनको हम क्लेम्स कहते हैं,
वो उस पूरे जो पेटेंट आपका होता है वो उसके ऊपर बेस कर रहा होता है, और क्लेम्स जो होते हैं वो बेसिकली उसके जो आपकी टेक्नोलॉजी है जिसके पेटेंट राइट्स आपने क्लेम किए हैं उसके फीचर्स होते हैं, नॉट यूजेस या उसके बेनिफिट्स नहीं होते बेसिकली। हमारे यहाँ रिसर्चर जब वो मेरे पास आते हैं पेटेंट्स, तो मोस्टली वो क्लेम्स में भी उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वही बताते हैं कि हमने रिसर्च की तो इसका ये बेनिफिट हुआ, उसका ये रिजल्ट आया और ये हुआ, तो क्लेम्स में वो चीज़ नहीं आती। क्लेम्स में उसके टेक्नोलॉजी के फीचर आएंगे। सपोज अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, उसकी कोई मेजरमेंट है, उसके पार्ट्स हैं, वो आपस में वो पार्ट्स जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, सपोज ए बी सी डी पार्ट्स हैं वो आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन करने में उनकी फिर कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट्स हैं, स्पेसिफिक वेट है, या अगर आपके पास कोई केमिकल प्रोसेस है तो उसके जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे, उसकी कोई स्पेसिफिक कंडीशन होंगी, टेम्परेचर की होंगी, कोई उसमें कैटलिस्ट आएगा, तो ये बेसिकली टेक्नोलॉजी होती है। इसको आपने डिटेल में डिस्क्राइब करना होता है। उसी के ऊपर जब कल आप अगर कोई लिटिगेशन में जाते हैं, कोर्ट में केस कोई जाता है, तो उन्हीं फीचर्स के ऊपर आप अपने राइट्स क्लेम करेंगे, और राइट्स उन्हीं फीचर्स के ऊपर जो कोर्ट में जो केस है वो फाइट किया जाएगा। जो चीज उन फीचर क्लेम्स में नहीं दी जाती उसके राइट्स आपको नहीं मिलते। बैक एंड के डॉक्यूमेंट में चाहे आप 1000 पेजेस उसमें ऐड कर दिए हैं, लेकिन अगर आपने वो फीचर क्लेम नहीं किए तो आपको उसका पेटेंट राइट्स जो है वो कोर्ट में जाके नहीं मिलेंगे। तो वो बेसिकली रिसर्च वही होते हैं, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना होता है। क्लेम जो होते हैं वो हाईली टेक्निकल होते हैं, उसको ड्राफ्ट करने के लिए जो है वो अच्छी खासी आपको ट्रेनिंग चाहिए। तो वो जो इनिशियल डॉक्यूमेंट है, ड्राफ्ट है, वो आप ड्राफ्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जो क्लेम्स हैं वो आप किसी ना किसी टेक्निकल एक्सपर्ट से कंसल्ट करके तो उसके बाद उसको ड्राफ्ट करें, ताकि लेटर ऑन आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि अगर कोई फीचर उसमें रह जाता है तो वो प्रेजेंटली तो आपको फील नहीं होगा। सपोज कल जो इन्वेंशन जो है वो बड़ा ब्रेक थ्रू दे जाती है, कमर्शियल उसकी जो है वो बड़ी सक्सेस हो जाती है, और कोर्ट में केस चला जाता है, तो अगर आपने उसमें कुछ फीचर्स मिस कर दिए हैं तो फिर आप केस जो है वो लूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो उसमें आ जाता है कि आपने एक डॉक्यूमेंट जो है वो ड्राफ्ट कर, स्पेसिफिकेशन आपने ड्राफ्ट कर ली है, तो एडिशनली अगर उसके पास साथ कुछ ड्राइंग्स हैं सपोर्टिंग में आप देना चाहते हैं तो आप ड्राइंग्स दे सकते हैं। तो ये एक इनिशियली डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर करके तो आप पेटेंट ऑफिस में, अगर सपोज पाकिस्तान में फाइल कर रहे हैं तो आप खुद भी फाइल कर सकते हैं। आईपीओ के ऑफिसेज हैं, मेन पेटेंट ऑफिस कराची में लोकेटेड है, तो लाहौर में इसकी एक ब्रांच है, और इस्लामाबाद में आईपीओ का हेड ऑफिस है। तीनों जगह पे आप जाके बाई हैंड भी सबमिट कर सकते हैं, और थ्रू कोरियर भी आप जो है सबमिट कर सकते हैं, उसकी एक फी होती है। अच्छा, जी बिल्कुल, ये जो पेटेंटिंग के लिए कंसल्टेंसी है, ये कौन कौन सी ऐसी पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे प्राइवेट या सेमी प्राइवेट या गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट लेवल पे तो उस तरह से कंसल्टेंसी कुछ फर्म्स नहीं हैं। आप पेटेंट ऑफिस को जो है वो जाके किसी भी एग्जामिनर से कंसल्ट कर सकते हैं। आईपीओ पाकिस्तान जो कि इदारा इसको डील कर रहा है इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, वहाँ पे इनका स्टाफ मौजूद होता है जो कि पेटेंट एग्जामिनर्स हैं, वहाँ पे जाके उनसे आप ऑन फोन भी और फेस टू फेस भी आप डिस्कशन कर सकते हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। प्राइवेटली जो होता है वो सब आपको फ्री ऑफ चार्ज सर्विस होगी, और वो बड़ा अच्छा आपको गाइड भी करेंगे। प्राइवेटली जो है वो डिफरेंट लॉ फर्म्स हैं कुछ, जो कि उनमें से 3-4 हैं जो अच्छी लॉ फर्म्स हैं बेसिकली, जो कि पेटेंट्स को डील कर रही है, तो उनके थ्रू सर्विस हायर की जा सकती है, लेकिन वो काफ़ी सारी फिर वेरी करता है उनके चार्जेस जो है, वो लॉयर जो है वो चार्ज करते हैं अच्छा खासा, तो वो आप पे करके उनसे सर्विस जो है वो हायर कर सकती हैं। सही। वैसे पेटेंटिंग की, पेटेंटिंग रजिस्टर, पेटेंट रजिस्टर करवाने की इटसेल्फ कॉस्ट है पाकिस्तान में? जी बिल्कुल है, जहाँ पे भी आप फाइल करेंगे पेटेंट तो उसकी एक कुछ नेशनल फी होती है, जिस भी कंट्री में आप जाएंगे, क्योंकि पेटेंट ऑफिसेज जो होते हैं वो वहाँ के लोकल नेशनल ऑफिसेज होते हैं, गवर्नमेंट ओन्ड ऑफिसेज होते हैं, प्राइवेट ये इदारे नहीं होते। तो हर कंट्री में जहाँ पे भी आप फाइल करेंगे, हर कंट्री की अपनी अपनी कुछ उसकी फीस होती है। पाकिस्तान में जो है वो इनिशियल फाइलिंग फी इसकी 6,750 रुपीज़ है, जो कि आप इनिशियली उसको पे करके जो उसका डॉक्यूमेंट होगा, पेटेंट डॉक्यूमेंट होगा, उसके साथ आप एक पे ऑर्डर लगाते हैं 6,750 रुपीज का, तो वो पेटेंट आपका फाइल हो जाता है। उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग होती है, एग्जामिनेशन इसकी होती है, एग्जामिनर जो है वो अपनी सर्च रिपोर्ट आपको सेंड करता है, अगर उसको किसी किस्म के ऑब्जेक्शंस होते हैं तो उस फेज के थ्रू गुजर के जब आपका पेटेंट एक्सेप्ट हो जाता है और ग्रांट होना होता है, तो 6,750 रुपीज की एक फी और है जिसको सीलिंग फी कहा जाता है, वो आपने अगेन उसको पे करनी है, और उसके बाद वो पेटेंट जो है वो ग्रांट हो जाता है
4 साल के लिए, पाकिस्तान में वो 4 साल के लिए उसके वो फी के अंदर जो है वो राइट्स उसके वैलिड होते हैं। उसके बाद अप टू 20 ईयर्स जिसकी हर साल रिन्यूअल फी है, आपने उसको वैलिड रखने के लिए, उसको अलाइव रखने के लिए हर साल उसकी रिन्यूअल फी पे करनी होती है। वो रिन्यूअल फी जो है वो डिफरेंट ईयर्स की डिफरेंट है, वो एक डिटेल स्केड्यूल है उसमें कि वो कौन से ईयर की आप रिन्यूअल फी जो है वो पे की जा रही है। जबकि यूएस में अगर हम बात करते हैं तो यूएस में जो है वो ऑफिशियल फी जो होती है वो अराउंड $1,000 है उसकी, जिसमें पेटेंट जो है वो एक फाइल हो जाता है। लेकिन ये ऑफिशियल फी है, यूएस में जब फाइल करेंगे तो डेफिनेटली किसी न किसी अटॉर्नी के थ्रू करना पड़ेगा। तो यूएस में फाइलिंग की एक पेटेंट जो है वो एवरेज आपको 8,000 से लेकर तो $15,000 तक जो है उसकी कॉस्ट आएगी। डिपेंड करता है कि कितना डॉक्यूमेंट कितना अच्छा जो है वो ड्राफ्ट किया गया और उसके कितनी एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स, या अगर रिसर्चर की लैंग्वेज में बात करो तो कितनी रिव्यू रिपोर्ट्स उसकी आती हैं। क्योंकि ये ऐसे होता है कि जो एग्जामिनर है वो उस पेटेंट को रिव्यू करेगा, माइट बी पॉसिबल कि कोई ऑब्जेक्शन रेज ना हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो पेटेंट एक्सेप्ट हो जाए, तो उसकी कॉस्ट बड़ी कम आएगी। अगर वो एग्जामिनर एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू करता है, रिव्यू रिपोर्ट इशू करता है, तो आपको वो चांस देता है कि आप उसके काउंटर आर्गूमेंट्स दें। जब रिसर्चर काउंटर आर्गूमेंट्स देगा तो वो एग्री कर सकता है एग्जामिनर, ना एग्री करे तो वो अगेन रिपोर्ट इशू कर देता है। तो वो डिफरेंट, ये वेरी करेगा कि वो कितना उसको जो है वो फर्दर स्टेप्स उसमें ऐड होते जाते हैं, तो हर स्टेप की कॉस्ट जो है वो उसमें ऐड कर दी जाएगी। तो ये कुछ 6,000, 7,000, 8,000 एवरेज जो है मिनिमम से लेकर ये 15,000, 20,000, तो जितना आप उसको लेके चल सकते हैं वो उसकी कॉस्ट जो है वो ऐड होती जाएगी। ठीक है। अच्छा सर, आपने फरमाया स्टार्ट में फरमाया, उसको मैं अपने जो हमारा जो सेशन है इसके वाइंड अप करने के साथ मैं लिंक करना चाह रहा हूँ। आपने स्टार्ट में कहा था कि जो हमारे जो पेटेंट्स हैं वो रीजनल रीजन बेस्ड होते हैं, टेरिटोरियल होते हैं, तो ये फिर इंटरनेशनल पेटेंट्स ये टर्म कहाँ से आती है और इसका क्या मतलब है? अच्छा, देयर इज नो सच काइंड ऑफ इंटरनेशनल पेटेंट। बेसिकली वो हमारे रिसर्चर इसको लेते हैं कि अगर पाकिस्तान से बाहर कोई पेटेंट हो गया तो उसको इंटरनेशनल पेटेंट कह देते हैं, जबकि ऐसा कोई पेटेंट नहीं होता। जिस जिस कंट्री में आपको राइट्स लेने हैं, हर कंट्री की जुरिसडिक्शन अलग है। एक कंट्री में जो पेटेंट ग्रांट हुआ है उसी कंट्री के अंदर उसकी वैलिडिटी है। उस चीज को अगर आपने दूसरे कंट्री में जाके कॉपी करते हैं, बनाते हैं और वहां पे पेटेंट राइट्स आपके नहीं है, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता उस शख्स को जो भी कॉपी उसको कर रहा है। तो वो एक कॉमन से टर्म है, उसको इंटरनेशनल पेटेंट लेते हैं, जबकि ऐसी कोई चीज है नहीं। हमारे एक इंटरनेशनल फाइलिंग प्रोसीजर जरूर है जिसको एक PCT कहा जाता है, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी के नाम से है, जो कि एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ट्रीटी है जो जिसके अराउंड जो है वो 140 प्लस उसके मेंबर्स हैं। उनमें ये जरूर है कि अगर आप उसके मेंबर हो, कंट्री जो है वो उसका मेंबर हो, तो एक यूनिफाइड फाइलिंग प्रोसीजर है। उसमें ये होता है कि एक जगह पे आप सेंट्रल किसी ऑफिस में किसी भी कंट्री में एक पेटेंट जो है वो फाइल कर देते हैं और आप आगे कंट्री डेजिग्नेट कर देते हैं कि मैं जो है वो आगे 10 कंट्रीज में जो है वो USA में, UK में, इन सब जगहों पे जो है वो मैं इसको प्रोसीड करना चाहता हूँ। तो वो इनिशियल फाइलिंग के लिए ये होता है कि आपकी इनिशियल फाइलिंग कंसिडर हो जाती है एक जगह पे, तो इनिशियल एग्जामिनेशन करने के बाद अगेन वो फिर हर कंट्री के जब नेशनल फेज में जाती है तो हर कंट्री उसको अपने लॉ के अकॉर्डिंग जो है उसको प्रोसिक्यूट करेगा। अलग से आपको हर कंट्री में अटॉर्नी भी हायर करना पड़ेगा, तो वहां पे जाके फिर कंट्री का जो नेशनल लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोसीड करेंगे। तो उसके बाद भी जब ग्रांट हो जाएगा तो वो राइट्स उसके टेरिटोरियली होंगे। USA में सपोज ग्रांट हुआ तो USA में होंगे, कोरिया में हुआ तो कोरिया में होंगे, इंटरनेशनली कोई भी इस तरह यूनिवर्सल राइट्स नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान चूंकि अभी PCT का मेंबर जो है वो नहीं है, तो एज अ पाकिस्तानी हम जो है वो उस यूनिफाइड जो सेंट्रल फाइलिंग प्रोसीजर है उसको भी अडॉप्ट नहीं कर सकते। हमें पाकिस्तानी के तौर पर जो है वो हर कंट्री में अलग से जाके फाइल करना होगा। सो देयर इज नो सच टर्म एज इंटरनेशनल पेटेंट। This term is, बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपसे गुफ्तगू का, बड़ा मजा आया हमारे लिए। जो हम जैसे रिसर्चर्स हैं, अर्ली करियर रिसर्चर, इनके लिए बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी और मुझे पूरी उम्मीद है जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत यूजफुल रहा होगा। एक छोटी सी इजाजत आपसे चाहूंगा कि आपका जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं वो भी हम सेशन में चाहेंगे कि उसको हम इनकॉर्पोरेट करें, ताकि जो रिसर्चर्स हैं इफ दे आर इंटरेस्टेड टू रजिस्टर सम पेटेंट दे माइट गेट योर कंसल्टेंसी अबाउट इट। जी जरूर, आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी उसमें दे सकते हैं, मेरा ईमेल भी शेयर कर सकते हैं, तो आई एम अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू सो मच।